नमस्कार, मेरा नाम आशिता वर्धिनी, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा कहानी का नाम है बुजुर्ग लोग हमेशा बुद्धिमान होते हैं। एक राज्य में अकाल पड़ गई थी, कई वर्षों से खेती नहीं हो रही थी और राज्य का भंडार कम होते जा रहा था। राजा के लिए चिंता का विषय था। राजा ने सोचा, जो भी 60 साल से ऊपर है उनसे कोई काम लिया नहीं जा सकता, उनके लिए अनाज बेकार है। राजा ने आदेश दिया, जिसके भी घर में 60 साल से ऊपर है उनको सिपाही का हवाला किया जाए और मार दिया जाए। सब लोग ऐसा ही किया, पर एक बुद्धिमान लड़के ने अपने पिताजी को घर के नीचे स्वरंग बनाकर छिपा दिया। ऐसे ही दिन बढ़ते गए और हालत और बिगड़ गई थी। मौसम भी साथ नहीं दे रहा था, चारों तरफ बर्फ जम गई थी और बोने के लिए बीज तक नहीं थे। राजा और चिंता हो गए। राजा ने सबको हैरान किया, जो भी फिर से खेती शुरू करने के लिए उपाय दे या बोने के लिए बीज दे उनको अच्छा सा इनाम मिलेगा। वो बुद्धिमान लड़का अपने पिताजी से इस बात पर चर्चित किया। फिर उनके पिता ने एक उपाय दिया, बेटा तुम अपने घर से खेती के रास्ते में हल लेकर जोकते हुए जा, क्योंकि जब भी हम खेती से आते थे तब अनाज गिरे पड़ते थे, फिर वो ही तुम्हारा सहारा कर ऊपर आकर पौधे उगना शुरू हो जाएंगे। उसके बेटे ने ऐसा ही किया और पौधे शुरू हो गए। ये बात राजा तक गई थी। राजा ने आदेश दिया, ऐसा ही करे। सब लोग ऐसे ही किए और सबके छोटे छोटे पौधे शुरू हो गए। राजा खुश हो गए और राजा ने सोचा, सबके सामने उसको एक अच्छा सा इनाम दिया जाए। राजन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने बोला, हे राजन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। मैंने अपने पिताजी को सिपाही के हवाला नहीं किया। ये उपाय मेरा नहीं बल्कि मेरे पिताजी का था। राजा ये बात सुनकर दुख हो गए और अपने गलती का एहसास मान लिया। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, बुजुर्ग लोग हमेशा बुद्धिमान होते हैं। हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें उनका आदर करना चाहिए। धन्यवाद।